Come on, शिवन्या, कैसी जासूसी करती हो तुम? ये हवेली है, इसका मतलब ये तो नहीं कि यहाँ कोई राज है। थर्ड से कोई दरवाजा खुलेगा और देवरी में कोई राज है भी या नहीं, या फिर राज है पर मुझे ही नहीं दिख रहा। शिवन्या फिर खो गई। चलो, वर्षों बीत गए, कुछ नहीं है यहाँ, कोई नहीं है यहाँ, चलो अब। कैसे हो सकता है कि देवी में कुछ तो है, उस देवी में जो मैं नहीं देख सकती। पता नहीं किस कोने में छिपा रखा है कि आके वहां तक जा ही नहीं रही। कैसे पता लगाऊं, कैसे जाऊं वहां तक? कुछ तो जरूर है उस देवी में, किसी भी तरह पता लगाना होगा कि क्या है वो देवी का राज। राज है जहां बरसों तक कोई नहीं पहुंच पाए, क्योंकि बरसों से वहां कोई आता जाता नहीं। पर अब मैं आ गई हूं, अब वो राज बाहर आएगा, मैं लाऊंगी उसे बाहर। क्या कर रही थी, क्या सोच रही थी? साड़ी में आग लग जाती तो? तुमने आवाज सुनी? बहुत ही भयानक सी, डरावनी सी आवाज, और डर लग रहा है। कैसी आवाज? राज, तुम्हारे पेट में जरूर कोई राज है। सुनो सुनो आवाज, गुड 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 गुड। पता इतनी डरावनी आवाज कब आती है? या तो इंसान ने ठूस ठूस के खा लिया हो, या बरसों से भूखा है। यहां कोई है जो बरसों से भूखा है, शायद तुम्हारे पेट से आ रही है ये आवाज। नहीं, ये आवाज मेरे पेट से नहीं आ रही। देखो, अगर तुम्हें भूख लग रही है तो बोल दो, इतनी देर तुम्हें मनाने में लग गई। चलो अब कुछ बनाते हैं। हाँ, मैं आई नो कि तुम बहुत अच्छा बना लेती हो, आई मीन खाना, पर आज मैं ट्राई करता हूँ। खाने जैसा तो बना ही लूंगा, और तुम तो हो ही ना मुझे सुपरवाइज करना। सो कम ऑन, फॉलो मी, गेट सेट गो। लड़ाई को नहीं, इस शेफ को देखो, शेफ की कुकिंग को देखो। हंस क्यों रही हो? मैं कहाँ हंस रही हूँ, मैं तो बस शेफ को देख रही हूँ। हंस लो, पर ये मत समझो कि मैं कुछ बना नहीं सकता। ऐसा मैंने कब कहा? मैंने कहा किचन के बाहर जाऊं, डोंट डिस्टर्ब मी, ओके, जस्ट वॉच मी। तेल कहाँ है? तुम्हारे पीछे। ऋतिक खाना बनाने में बिजी है, अच्छा मौका है देवी में जाने का। पता तो लगाना ही है कि देवी में आखिर छिपा क्या रखा है उन लोगों ने। एक्सक्यूज मी, शेफ वर्किंग इनसाइड एंड असिस्टेंट एंजॉयिंग आउटसाइड, कम इनसाइड। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, इसे और बढ़िया बनाते हैं।
ये धुआं धुआं, ये तड़केदार खुशबू, लगता है शेफ ने कुछ बहुत ही लजीज बनाई। मैं बताऊं क्या लजीज बनाया है? देखो देखो, मेरे पे मत डालना। सुनो 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 सुनो, न जाने कहां से ये भयानक आवाज कैसी आ रही है। कौन सी आवाज? गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़गुड़। लगता है मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ तो बनाओ। अच्छा ठीक है, मैं तो चलूं, देखते हैं आज क्या खिलाते हैं हमारे ये शहंशाह शेफ। रिश्ते में तो हम तुम्हारे पति लगते हैं। नाम है शहंशाह शेफ। आपने हमें इस तरह अचानक बुलाया, क्या बात है? अब तक तो आपने उस नागिन को मार ही दिया होगा, है ना? अब तो कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है ना हमारे परिवार और हमारे घर पे? खतरा है, वो नागिन अभी तक जिंदा है। मरी नहीं, कोई है उसका मददगार, ले गया उसे उड़ा के। मतलब अगर वो नागिन बच गई, वो जिंदा है गुरुमा? लेकिन ये कैसे हो सकता है? आपने तो कहा था कि वो नहीं बचेगी, आपके हाथों वो कैसे बच सकती है? गुरुमा अब आप ही कोई उपाय कीजिए। शांति शांति, इतना खौफ अच्छा नहीं होता गुरुमा के सामने हो तो। ये लो खंजर। ये खंजर? गुरुमा जब आप कुछ नहीं कर पाई तो खंजर क्या करेगा? ये खंजर नहीं, मारन का जहर है, जहर उस नागिन से भी ज्यादा जहरीला। मेरी पूरी जिंदगी की सिद्धि है इसमें, इसकी एक बार से वो नागिन धराशायी हो जाएगी, भस्म हो जाएगी। ये एक खंजर है जो उसे मार सकता है, वो जरूर आएगी, और आए तो इस खंजर से प्रहार करना उस पर, ऐसा वार करना कि वो मर जाए। जाओ जाओ इस मरनहार को और ढूंढने दो मुझे कोई दूसरा उपाय। जाओ। चलिए यामिनी जी। जी एक मिनट। शिवन्या ये तुम्हारी। शिवन्या अंकित जी एक मिनट, ये चेन तो देखिए, ये मुझे अभी भी गुफा में मिली। और तो ये चेन भी वही है और ये पेंडेंट भी वही। जानते हैं ये चेन मैंने किसे दी थी? किसे? शिवन्या को। शिवन्या को मतलब? मतलब ये कि शिवन्या यहाँ आई थी, वरना ये चेन यहाँ कैसे? लेकिन शिवन्या यहाँ क्यों आई थी? पर इस चेन का यहाँ होना इस बात का सबूत है कि शिवन्या यहाँ आई थी। शिवन्या यहाँ। शिवन्या कुछ नहीं होगा तुम। शिवन्या अपनी आंखें खोल। शिवन्या बात करो मुझसे। शिवन्या 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 बस सोना मत, आंखें खुली रखो। तुम्हें क्या लगता है
तुम मुझे छोड़ के चली जाओगे और मैं तुम्हें जाने दूंगा। नहीं शिवन, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा। इतनी परवाह है ऋतिक को मेरी, और मैंने इतने सच्चे इंसान से आज फिर झूठ बोला। क्या सोच रही हो शिवन्या? ऋतिक, फिर ऋतिक? सिर्फ उसी के बारे में सोचती रहती हो तुम? मुझसे ज्यादा वो मेरे बारे में सोचता रहता, बस वही सोचकर परेशान थी, आज फिर वही हो। फिर से मैंने उसे झूठ बोला, उसका फायदा उठा, आज फिर से उसने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाली, और फिर मैंने, फिर तुम्हें प्यार हो गया? नहीं, ये प्यार नहीं है। तो फिर क्या है शिवन्या? शेष, जो हमारे लिए अच्छा सोचते उनके लिए, उसके लिए इतना मत सोचो। किसी के लिए भी इतना सोचने का मतलब होता है प्यार। तुम्हें उससे प्यार हो गया है ना शिवन्या? शिवन्या, तुम अपना मकसद भूल गई हो, या फिर ये भूल गई हो कि ऋतिक एक इंसान है, और एक इंसान से प्यार करने की सजा जानती हो ना तो कुर्बानी। एक इच्छाधारी नागिन की शक्ति खो दोगी तुम, अपना इंतकाम खो दोगी। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं उससे प्यार नहीं करती, नहीं भूली हूं अपना मकसद, अपना इंतकाम। इंतकाम की इस राह पर चलते चलते अगर मुझे अपने वजूद की भी कुर्बानी देनी पड़े तो कोई गम नहीं। शेष, तुम मेरी परीक्षाएं लेना बंद करो, और ये लो, ये मुझे पंचनेर की हवेली में मिली। वहां देवड़ी के अंदर भी एक और देवड़ी थी। जाकर इसे गुरुदेव को देना, वही पता लगाएंगे कि ये किसका है। छोटी मालकिन, बड़ी मालकिन ने आपको बुलाया है, आप चलिए, मैं आती हूँ। माँ, आपने बुलाया मुझे? ऋतिक, मैं तुम्हारी पत्नी से कुछ पूछना चाहती हूँ, पूछ लूँ? माँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है? आपकी बहू, आप कुछ भी पूछ सकती हैं। शिवन्या, अगर तुम्हें याद तो मैंने तुम्हें एक चेन दी थी, मैंने खुद वो चेन तुम्हें दी थी, उसमें एक लॉकेट भी था। कहाँ है वो चेन? मैं तुमसे पूछ रही हूं, वो चेन कहां है? हाँ, वो मेरे, तुम्हारे पास नहीं है, इसका मतलब यही हुआ ना? हाँ, वो मेरे पास, मेरे पास है।